गाइज, अगर आप भी 7 days में अपनी वेस्ट को बिल्कुल स्लिम ट्रिम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आज का मेरा ये वीडियो आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। आज इस वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट क्या रहेगा कि सबसे पहली चीज़ तो बॉयज़ एंड गर्ल्स कोई भी फॉलो कर सकता है। दूसरा बेस्ट पार्ट इसका ये रहेगा कि आज इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस शेयर करूँगी। बिल्कुल भी टफ नहीं होगी। अगर आप ओवरवेट भी हैं या आपका टमी बहुत ज़्यादा है या फिर आप लेजी भी हैं ना, तो भी आप इन एक्सरसाइजेस को कर अपने वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, अपने इंच लॉस कर सकते हैं, अपने लोअर अपर टमी को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं होता कि आप बहुत हार्ड एक्सरसाइजेस करें तो ही आपके टमी पे इफेक्ट आएगा, बल्कि ज़रूरी होता है कि आप कितना रेगुलर रह रहे हैं और कितने टाइम जितना आपको बताया जा रहा है करेक्ट पोजीशन और रिपीटेशन कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आप इसमें बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट भी नहीं हो जाएंगे, थक नहीं जाएंगे और इफेक्ट आपको दिखने लगेगा 7 days के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको मेरे को और भी प्यार देना है जो मुझे चाहिए आप लोगों का, तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं @ishra_mehra और फेसबुक पे मेरा पेज है @healthtime। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। अपनी हर वीडियो में क्लियर करती हूँ कि गर्मी हो या सर्दी, आपने पानी का रेशो बहुत ज़्यादा रखना है। ठीक है, पानी के सही टाइमिंग पे आपको पीना है, खाने के बीच में आपने पानी नहीं पीना। दूसरी चीज़, आपने चीनी, मैदा और बाहर का जंक बिल्कुल ख़त्म कर देना है, तभी आपका वेस्ट लाइन कम होगा। बिकॉज हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा फैट हमारे टमी पर होता है और बहुत देर में जाता है, तो इसको कम करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि मीठा, ज़्यादा नमक और जंक फूड, मैदा तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रेट खड़े हो जाना है, अपने हैंड्स को अपसाइड लेकर जाना है। ठीक है, अपसाइड जाने के बाद में आपने क्या करना है, अपने लेग्स के बीच में से इस तरीके से अप करते हुए क्लैप। ठीक है, 2। आपने कितने टाइम्स करना है, आपने लेफ्ट साइड करना है 40 times। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 40 बार आपने करना है लेफ्ट साइड, 40 times आपने करना है राइट साइड। बहुत आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होके करिए। बहुत फास्ट एक्सरसाइज मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोल रही, क्योंकि इस एक्सरसाइज को अगर आप ज़्यादा फास्ट करेंगे तो आपके उतना इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जितना स्लो मोशन में आप इस तरीके से करेंगे, बैक जाएंगे, ठीक है, तो आपका उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। आपकी बॉडी जितना ज़्यादा होल्ड होगी नीचे टाइम, एकदम स्लो जाएगी, तो उतना ही आपके लोअर और अपर टमी पे इसका इफेक्ट आने वाला है। जब अपनी बॉडी को आप ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, यानी अपने लेग्स को अपसाइड लेकर जा रहे हैं, तो आप ब्रीथ आउट कर रहे हैं, जब डाउन साइड जा रहे हैं तो ब्रीथ इन करेंगे। अदर साइड पे सेम। अब बारी आती है सेकेंड एक्सरसाइज की। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, अपने दोनों हैंड को इस तरीके से रेज करना है, आपका 1 leg अपसाइड जाएगा, हैंड वापस से आपके बैक साइड पर आएंगे, अगेन अप बैक। ठीक है, इस तरीके से आपका फुल बॉडी इसमें एंगेज हो रहा है, आपकी वेस्ट पे सबसे ज़्यादा इसका लोड पड़ रहा है। सेकेंडरी मसल आपका इसमें ब्रेस्ट जो है, अगर बहुत ज़्यादा सैग हो गया है तो वो कंट्रोल में आ जाएगा, अपलिफ्ट हो जाएगा, आपके शोल्डर एंगेज हो रहे हैं, बैक फैट खत्म होगा। लेकिन प्राइमरी जो उसका मसल है, जो इफेक्ट आ रहा है, वो हमारा स्पेसिफिक लोअर और अपर टमी ही है, जो आपकी वेस्ट लाइन को रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 times आपने करना है लेफ्ट साइड, 20 times आपने करना है राइट साइड। अदर साइड पे डन, रिलैक्स। यहां पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।
अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की। इसके लिए आपको स्ट्रेट खड़े हो जाना है, अपने वन लेग को इस तरीके से वाइड करना है और आपने फ्लोर टच करना है, ठीक है। जब आप फ्लोर टच कर रहे हैं तो इससे आपका लोअर अपर टमी तो एंगेज हो रहा है, और साथ में जब आपकी बॉडी साइड पे जा रही है, ठीक है, जब आप इसको एकदम से ट्विस्ट कर रहे हैं, साइड की तरफ टर्न कर रहे हैं, तो बेसिकली जो आपका लव हैंडल है, जो साइड के टायर्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस हो चुके हैं, ये उसको भी टारगेट करेगा और वहाँ के फैट को रिड्यूस करके आपके एक बॉडी को बहुत अच्छा शेप देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 टाइम्स हमने करना है राइट साइड, जी हाँ 30 बारी, और 30 टाइम्स ही हमने करना है लेफ्ट साइड। रिलैक्स अदर साइड पे। डन, यहां पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपने हैंड्स अप करने हैं, ठीक है, अपने फीट के बीच में आपने शोल्डर जितना गैप मेंटेन करना है, इतना का स्क्वैट है, लेकिन आपको पूरा डाउन जाना है, फ्लोर टच करना है, देन दोबारा से स्ट्रेट हो जाना है। स्क्वैट में हम लोग क्या करते हैं, अपने नीज को ओपन नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आपको नीज ओपन करना है, कैसे देख लीजिए। डन, ठीक है, इसको आपने करना है एटलीस्ट 40 टाइम्स, जी हाँ 40 बार। तो यहाँ पर आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं।